हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के बारे में। अभी अभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 से संबंधित एक बड़ी ऑफिशियल नोटिस देखने को मिली है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बड़ी राहत दिया गया है रेलवे के द्वारा। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी, बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि रेलवे की तरफ से लगभग सभी एग्जामिनेशंस का आप लोगों को एग्जामिनेशन कैलेंडर भी जारी करवा दिया जा चुका है। इस बीच सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप सभी स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बुक के ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 80,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलता है, 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का, 12 प्लस लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, 28.5 लाख प्लस एक्टिव टेस्ट बुक पास प्रो यूजर्स हैं। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 इसको अप्लाई करेगा, आपको 13% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग टेस्ट बुक के लिए टेस्ट बुक पास प्रो को परचेज कर पाएंगे मात्र 608 रुपये में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। और कल ही आप लोगों के लिए रेलवे के एनटीपीसी के संबंधित एक अपडेट आया था, जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था। ये जो कोरिजेंडम जारी हुआ है कोरिजेंडम 2 के बाद कोरिजेंडम 3, ये कोरिजेंडम 2 का कंटिन्यूएशन है कोरिजेंडम 3 के रूप में। तो ये देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस कोरिजेंडम 3 में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 5/2024 फॉर टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट। आपको पता होगा एनटीपीसी में इस बार दो तरह की वैकेंसी आई हुई है, एक ग्रेजुएट, एक आप लोग का अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन लेवल इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th वाले जो स्टूडेंट होते हैं अंडर ग्रेजुएट में एलिजिबल होते हैं। तो ये जो नोटिस आप लोग का 5/2024 जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। क्या है नोटिस में, यहाँ पे देखिएगा, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू कोरिजेंडम 2 पब्लिश्ड ऑन 5 अक्टूबर 2024 फॉर द रिवाइज वैकेंसीज फॉर PWD BD कैटेगरी, इट इज क्लेरिफाइड दैट एक्सटेंडेड शेड्यूल इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स एंड नॉट जस्ट PWD कैंडिडेट्स एज इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो। आपको पता होगा रेलवे की तरफ से 5 अक्टूबर 2024 को एक नोटिस जारी किया गया था PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका स्टैच्यूटरी प्रोविजन के तहत उनकी वैकेंसीज को बढ़ाया गया था। तो ये वहीं पे एक पर्टिकुलर बात का जिक्र किया गया था कि PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जो लास्ट डेट है वो बढ़ाया जाता है। तो ये रेलवे के द्वारा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है कि वो जो डेट एक्सटेंड किया गया है वो केवल PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया गया है, बल्कि सभी कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। तो हर बार की तरह हम लोग फिर से इस बार आप सभी स्टूडेंट कहेंगे, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि स्टूडेंट सोचते रहता है कि क्या माहौल चल रहा है, क्या ट्रेंड चलता है, देख लेते हैं, हम लास्ट डेट को अप्लाई करेंगे, और लास्ट डेट को वेबसाइट पर लोड होने के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो अप्लाई तक नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2024 11:29 तक। डेट ऑफ फी आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद फी कब तक पेमेंट कर सकते हैं आप लोग, 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के 22 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज। यानी कि क्रिएट अकाउंट वाला जो फॉर्म होता है उस डिटेल्स को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जो आरआरबी को चेंज कर लिए हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो मॉडिफिकेशन का आपको चार्जेस पे करके आप लोग चेंजेस कर सकते हैं। उसका जो डेट होगा वो कब से कब तक होगा, 23 अक्टूबर 2024 से लेकर के 30 अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है, ओनली द एग्जिस्टिंग PWD कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड अप देयर फॉर्म विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ आरआरबी अलॉन्ग विद द प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर ऑल एप्लीकेबल ग्रेजुएट कैटेगरी विदाउट पेइंग एनी मॉडिफिकेशन फीस टिल 20 अक्टूबर 2024। ये पॉइंट PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी ऐसे PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि वैकेंसीज अब बढ़ चुकी है, तो उनको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप लोग चाहें तो अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन को बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा के। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा, दस द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन या सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल कैंडिडेट इज 20 अक्टूबर 2024। यानी कि सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लास्ट डेट हो गया वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक आप लोग का 20 अक्टूबर 2024 हो गया। लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 5/2024 रीड विद कोरिजन 1 and 2 विल रिमेन अनचेंज। यानी कि इसके अलावा जो भी आप लोगों का टर्म्स एंड कंडीशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा नंबर CN 5/2024 चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसके बारे में आपका क्या रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।